आज हमारा मिजाज तो फराइज का अदा करने का नहीं है, सुन्नत को कैसे अदा किया जाएगा। एक वली कामिल के बारे में लिखा था कि उनके सामने एक मतलब तरबूज लाकर रखा गया। तरबूज समझते हो भाई, आपके आंध्र प्रदेश में आता है? हमने कभी देखा नहीं है। आता है तरबूज? तो अल्लाह के वली के सामने वो तरबूज लाकर पेश किया गया। उस अल्लाह के वली ने उलमा से पूछ लिया कि बताओ तो सही, मेरे महबूब की सुन्नत तरबूज तोड़कर खाना सुन्नत है या काट कर खाना सुन्नत है? आज तो हम रोजाना आम खाते हैं, महबूब भाई रोजाना आम खिलाते हैं, लेकिन कभी ये मालूम किया है कि मेरे नबी ने आम को तोड़कर खाया था या काट कर खाया था? चूंकि खाने वालों को नहीं मालूम, कैसे मालूम करेंगे? हमारा तो काम बस खाओ पियो और दुनिया की जिंदगी में सुशरत वाली जिंदगी गुजारो। लेकिन वो अल्लाह के वली ने उलमा से पूछा, बताओ तो सही, तरबूज तोड़कर खाना सुन्नत है या काट कर खाना सुन्नत है? तो उलमा ने जवाब दे दिया, इस मसले का हमें कोई इल्म नहीं, इस मसले के बारे में हमें कोई पता नहीं, इसलिए कि इसकी कोई बात हमारे सामने पहुंची नहीं है। तो उस अल्लाह वाले ने उस तरबूज को वापस कर दिया और फरमाया कि अगर तोड़ कर खाऊं तो डर लगता है कि कहीं काट कर खाना सुन्नत ना हो, और अगर काट कर खाऊं तो डर लगता है कि कहीं तोड़ कर खाना सुन्नत ना हो। मैं ऐसे काम से बिल्कुल परहेज कर लेता हूं जिस काम में मुझे मेरे आका का तरीका मालूम ना हो। और आज हमें मालूम होते हुए भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सुन्नत को भी मामूली न समझो। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक बात बताता हूं, वक्त बहुत कम है। मिसवाक कितनी मामूली सुन्नत है, हमारी नजरों में कितनी मामूली सुन्नत है, लेकिन इसका फायदा आज मेरे प्यारे दोस्तों हमें नहीं मालूम। वो तो अपने फजाइल में पढ़ा होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है? मौत के वक्त अल्लाह उसे कलमा नसीब फरमाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बड़ा फायदा होना ही क्या चाहिए? इससे बढ़कर कोई फायदा ही नहीं हो सकता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में पहुंचे, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया था ना, उस वक्त हूरों से मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? आप चाहते हूरों से मुलाकात करना? दुनिया में नहीं होगी, उसके लिए अमल बनाने पड़ेंगे। अभी तो दुनिया में आपके गिरदौर की हूर से मुलाकात करो, उसकी गुंजाइश है, लेकिन जन्नत की हूर से तो मरने के बाद मुलाकात होगी अगर अच्छे अमाल होंगे तो। तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हूरों ने कहा कि मेरे महबूब, आपकी उम्मत को मिसवाक करने का एहतमाम करने की ताकीद कर दीजिए, इसलिए कि आपकी उम्मत जब मिसवाक करती है तो अल्लाह हमारी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। मिसवाक हम यहाँ करते हैं और खूबसूरती किसकी बढ़ रही है भाई? हूरों की। खूबसूरत हूर चाहते हो ना भाई, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इस्तेमाल।